ना सारे मीडिया का प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सारे का इतने वेलकम करते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम सारे जानते हो पहली पातशाही जगत गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव जोड़ा 19 नवंबर को आ रहा है। उस मसले के विच आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव सिर्फ हिंदुस्तान च नहीं विश्व भर के गुरु नानक नाम लेवा संगत जिथे भी हैगी है उत्थे बड़े उत्साह के नाल मनाया जाता है। और ये 552वां प्रकाश पुरब है। 19 तरीक नूं सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक गुरु नानक देव यादगार गुरद्वारा साहब चांद नगर के खुले पंडाल के समागम किया जाएगा, क्योंकि हर बार असी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के नगर कीर्तन कढ़ते हाँ। लेकिन कोविड-19 नूं ध्यान रखते हुए असी अप्लाई किया परमिशन वास्ते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार परमिशन नहीं दी। उन्हें कहा जी कोविड-19 होंदे ये परमिशन अजे तक नहीं दे सकते, लेकिन हमें उम्मीद है, उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जरा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है उतना सारे हालात ठीक होने के चांसेस ने, उस टाइम सानू नगर कीर्तन की परमिशन मिल जाएगी। संगतों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि संगत अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस उड़ीक विच हन, शायद नगर कीर्तन सानू कोई संदेशा मिले, लेकिन सानू अफसोस है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नाल भी चलना साडा फर्ज बनता है। असी अप्लाई किया, DCS अप्लाई किया, लेकिन बावजूद भी बड़ी रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्हें कह सी परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन यही चाहेगा अगर परमिशन नहीं मिलती असी अपनी कानून अपने हाथ च ना लीए और एडमिनिस्ट्रेशन के नाल चल के इस बार नगर कीर्तन को कैंसल किया गया है। और जोड़ा मेन प्रोग्राम है 19 तरीक नादे पूजनीय महंत मनजीत सिंह जी मुखी श्रोमणी डेरा अकाली नगाली साहब, संत तेजवंत सिंह जी मुखी डेरा संतपुरा डन्ना गुरु नानक नगर जम्मू, भाई हरप्रीत सिंह जी कथावाचक अमृतसर, भाई मिंदर सिंह जी रागी जथा दिल्ली वाले, भाई बिक्रमजीत सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब श्री अमृतसर साहिब, भाई हरविंदर सिंह जी इंचार्ज सिख मिशन, भाई हरप्रीत सिंह जी चौहाला, भाई दविंदर सिंह जी और लोकल जिन्हें भी साढ़े DGPC के रागी ने, उन्होंने पूरे अपने गुरबाणी के गुणगान के गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा ने वो संगत के विच उजागर करेंगे। और साडा फर्ज बनता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सांझी वार्ता का उपदेश दिता है, तो मैं जिन्हें भी गुरु नानक देवा संगत जम्मू कश्मीर के विच है सारे कहांगा बड़े हुम हमा के असी दिन मनाना है। और बिल्कुल इस दिन के विच जिस तरह हर साल मनाने हैं पूरे गैदरिंग होनी चाहिए है, लेकिन गैदरिंग विच नाल नाल थोड़ी भी कहांगे कि जिहड़ा साडा बैठने का इंतजाम होए उन्हें थोड़े जहा ही कोविड-19 की जड़िया गाइडलाइनस ने उन्हों पर भी नाल थोड़ा ध्यान देते हुए ताकि किसी किस्म की सानू कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और उसके बाद गुरु का लंगर तुट वरतेगा, जिहड़ा कि असीं कोशिश करांगे कि लंगर थोड़ा जल्दी खोल दिता जाए ताकि संगतां कुछ लंगर छकन कुछ पंडाल च बैठन ताकि गैदरिंग जड़ी है जल्दी फिरती भी नज़र आए। और मैं कहांगा उहदे नाल सानू काफ़ी जिहड़ा उत्साह मिलेगा। और मैं सारी संगत नूं दुबारा अपील करांगा तो सारे अपने जिस तरह आम, क्योंकि असी हमेशा इश्तहारा राही जा पैंपलेट राही जा गुरुद्वारे च अनाउंसमेंट करके संगत को बुलाई दा, इस बार भी उपराला किया है। और सारी संगत अगर फिर दोबारा बेनती करते हैं कि हुम हम आ के सारे आओ और इस दिन में बड़ी खुशियां प्राप्त करिए, गुरु नानक देव जी दियाँ जो शिक्षा ने जो सानू सिखा के गए ने वो सारा द्वारा ही उन्होंने सीख के द्वारा पूरा उनका प्रचार प्रसार संगत के विच पहुँचाइए।